नमस्कार मित्रों, ऋषि चिंतन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी साथ गायत्री महामंत्र का उच्चारण कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का चैप्टर है चिंताओं से डर कैसा। जीवन में खिलाड़ी की तरह पाठ अदा करिए और पल्ला झाड़ कर अलग हो जाए। इस वैराग्य निष्काम कर्म अनाशक्ति की योग शास्त्र में बार बार शिक्षा दी गई है। यह कोई अव्यवहारिक या काल्पनिक विषय नहीं है, वरन कर्मशील मनुष्य का जीवन मंत्र है। जिन लोगों पर अत्यंत कठोर उत्तरदायित्व रहते हैं, जिनके ऊपर असंख्य जनता के भाग्य निर्माता का भार है, उनके सामने पग पग पर बड़े बड़े कठिनतम पेचीदा दरुण और दबड़ा देने वाला प्रश्न आते रहते थे। कितनी भी पेचीदा गुंथिया सुलझनी पड़ती है, कितने नित नए संघर्षों का सामना करना पड़ता है, पर वे अपने काम को बलि प्रकार करते हैं। न तो बीमार पड़ते हैं, न बेचैन होते हैं, न दबड़ाते हैं। रात को पूरी नींद लेते हैं, आमोद प्रमोद में भाग लेते हैं, हंसते खिलते हैं। एक हम है जो मामूली सी दो चार कठिनाइयों के सामने आने पर दबड़ा जाते, चिंता करे मारे बेचैन बने रहते हैं। वस्तु यह मानसिक कमजोरी है, आत्मबल का अभाव है, नास्तिकता का चिन्ह है। इससे बचना चाहिए, क्योंकि बेचैन मस्तिष्क के ठीक बात सोच नहीं सकता, उससे उचित मार्ग ढूंढने योग्य क्षमता नहीं रहती। आपत्ति से छुटकारा पाने के उपाय तलाश करने के लिए गंभीर स्थिर और शांत चिंत रहने की आवश्यकता है, पर उसे पहले ही खो दिया जाए तो जल्दबाजी में चित ऐसे उथले और अनुचित उपाय सूझ पड़ते हैं, जो कठिनाइयों को और भी अधिक बढ़ाने वाले होते हैं। कार्य की अधिकता, असुविधा या चिंता का कारण उपस्थित होने पर आप उसको सुलझाने का प्रयत्न कीजिए। इनमें सबसे प्रथम प्रयत्न यह है कि मानसिक संतुलन को कायम रखिए, चित्त की स्थिरता और धैर्य का नष्ट न होने दीजिए। दबड़ाहट तीन चौथाई शक्ति को बर्बाद कर देती है, फिर विपत्ति से लड़ने के लिए एक चौथाई भाग ही शेष बचता है। इतने स्वल्प साधना की सहायता से उस भारी बोझ को उठाना सरल नहीं रहता। कहते हैं कि विपत्ति अकेली नहीं आती, उसके पीछे और भी बहुत झंझट बंधे चले आते हैं। कारण यह है कि चिंता से दौड़ाया हुआ आदमी अपनी मानसिक संतुलन खो देता है और जल्दबाजी में इस प्रकार का रवैया अखिलियात करता है, जिसके कारण दूसरे काम भी बिगड़ते चले जाते हैं तथा एक के बाद दूसरे अनिष्ट उत्पन्न होने जाते हैं। यदि मानसिक स्थिति पर काबू रखा जाए, चिंता और बेचैनी से दबड़ाया न जाए, तो वह मूल कठिनाइयां भी हल हो सकती है और नई शाखाओं प्रशाखाओं से भी सुरक्षित रहा जा सकता है। ईश्वर की इच्छा, प्रकृति की प्रेरणा, संचित संस्कारों के कर्मफल के अनुसार प्रिय और अप्रिय प्रसंग हर किसी के सामने आते हैं। उनका आना रोका नहीं जा सकता। भगवान श्री रामचंद्र योगेश्वर श्री कृष्ण तक को विपत्ति से छुटकारा न मिला। भवितव्यता कभी कभी ऐसी प्रबल होती है कि प्रयत्न करते हुए भी उनके बचाने नहीं हो सकता। विवेकवान अपने मस्तिष्क पर काबू करते हैं और खिलाड़ी की भ्रांति बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को छोटी करके देखते हैं। चिंता और शोक की
तबड़ाहट में सिवाय बर्बादी के लाभ कुछ नहीं है। इसलिए इस मानसिक दुर्बलता को परास्त करने का शक्ति भर प्रयत्न करना चाहिए। आप संसार में कर्मनिष्ठ महापुरुषों से शिक्षा ग्रहण कीजिए, अपने को धैर्यवान बनाइए, काम को खेल की तरफ कीजिए, कठिनाइयों का मनोरंजन को एक साधन बना लीजिए, अपने मन के स्वामी आप रहिए, अपने घर पर किसी दूसरे को मालिकी मत गांठने दीजिए, चिंता शोक आदि शत्रु आपके घर पर कब्जा जमा कर मस्तिष्क पर अपना काबू करते, आपको दीन दरिद्र की भ्रांति दुखी करना चाहते और शांति तथा स्वास्थ्य का हरण करके व्यथा वेदनाओं की चक्की में पीसना चाहते, इससे सावधान रहिए। यदि शत्रु को आपके मस्तिष्क पर कब्जा कर ले ने में सफलता मिल गई तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।